सुप्रभात मित्रों, कक्षा 8वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम पाठ 8 नरई, जिसके लेखक हैं श्रीकांत उपाध्याय, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो पेज नंबर 31, अब ये जो पाठ है ये एक यात्रा का वर्णन किया गया है डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय के द्वारा। तो देखते हैं कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या अनुभव किया और वो हमसे क्या बांटना चाहते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी, जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 2:45 बजे है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत। महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है AC2 कोच, ढूंढते रह जाओगे। TTE AC2 के यात्रियों को AC3 में बर्थ दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब में ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा। तो साथियों, इस अध्याय के माध्यम से डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी जो हैं, उनकी जो यात्रा हुई है उसका हमें वर्णन कर रहे हैं। वो इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं और उन्होंने महानंदा एक्सप्रेस के बारे में बताया है, जो कि अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है। और ये उन्होंने बताया है कि बड़ी ट्रेनों को आगे जाने देने की वजह से महानंदा काफ़ी विलंब करती जाती है, देर करती जाती है। और अभी कोरोना काल में तो ट्रेनों में जाना और ये सारी बातें कुछ भूली बिसरी सी लगने लगी हैं, परंतु आप सभी को ट्रेन में जाने आने का अनुभव तो है ही। तो हम देखते हैं कि TTE जो होता है वो अब यात्रियों को उनकी सुविधा के अनुसार टिकट और बर्थ अवेलेबल करवाता है। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जो हैं वो वरिष्ठ नागरिक होने के कारण उनको नीचे की बर्थ मिल जाती है, जो कि एक राशि पुरस्कार की तरह उन्हें खुशी प्रदान करती, क्योंकि नीचे की बर्थ मिल जाना राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, परंतु उस तरह का की प्रसन्नता उन्हें उससे प्राप्त हो रही है। तो वो ये बता रहे हैं कि वो एक उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है और कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब। तो वो ये बता रहे हैं कि खिड़की के उस पार उनका देश है, मीन देश तो भारत ही है, उनका गाँव जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में देश भी कहते हैं, कि मेरा गांव है और उस गांव के सारे दृश्य जो हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं और मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का अदद दृष्टा, यानी वो एकमात्र वहां पर हैं जो उस चित्रों को, उन बातों को देख रहे हैं। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और अब केले के अनन्नास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनन्नास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पर हॉकर ने अनन्नास के जो टुकड़े दिए थे वे लगभग कच्चे थे, छल कहाँ नहीं उपस्थित है। तो लेखक का कहना है कि उन्हें जहाँ जलपाईगुड़ी से ट्रेन निकल चुकी है और वहाँ पर वो देख रहे हैं कि चारों ओर केले और अनन्नास की जो फसल है वो बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी हो रही है, दृश्य काफ़ी मनोरम, बहुत ही मनमोहक है। और वो ये बोलते हैं कि अनन्नास की खेती बहुत अच्छी हो रही है, उसके बावजूद जो हॉकर होते हैं, जो ट्रेन में फल बेचने आते हैं, उनमें से किसी ने उन्हें जो फल बेचा था उसमें अनन्नास के जो टुकड़े थे वे कच्चे थे। वे कहते हैं कि यहाँ पर भी छल उपस्थित है, मीन्स अच्छी खेती होने के बावजूद इन्हें खराब सामान बेचा गया। किशनगंज आ रहा है, बिहार का सीमांत स्टेशन। बंगाल और बिहार की मिली जुली भाषा और संस्कृति, अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। कच्चे पक्के घर, झोपड़े वाड़ी, बांस की कोठियाँ, आम कटहल केले, कहीं सुपारी और कहीं नारियल, धान और जूट के खेत, कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बेहे गए हैं।
माटी पत्थर से दाब कर बोझ को पानी में डुबोया गया है जूट को गलाने के लिए। गलाने पर ही रेशे उतरते हैं, रेशे ही तो जूट हैं। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों से टाट पट्टियां और बोरे बोरियां तथा न जाने कितने प्रकार की राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। मेरे बचपन में गांव की गढ़ी के पानी में ऐसे ही सनई बही जाती थी। अब न सनई रही न गढ़ी और गांव के दुर्दांत ने गढ़ी दबोच ली। सनसुतली की रसिया स्मृति शेष हो गई है। तो साथियों, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि किशनगंज जो है बिहार के पास का एक स्टेशन है जो कि आ रहा है। बंगाल और बिहार यहाँ पर दोनों की मिली जुली संस्कृति किशनगंज में हम देख सकते हैं और वहाँ पर जैसे कि हमें सरस्वती माता दिखाई नहीं देती हैं, उसी प्रकार वहाँ पर नेपाली भी विद्यमान है। उनका ये कहना है कि हमें समझ में नहीं आता है कि नेपाली कहाँ है, हमें हमेशा वो नज़र नहीं आते, परंतु उस जगह पर नेपालियों का भी रहना होता है। वे बता रहे हैं कि झोपड़े बाड़ियाँ कच्चे पक्के मकान सभी वहाँ पर मौजूद हैं और आम कटहल केले आदि की खेती होती है और प्रमुखता से ये जो हमें बताना चाह रहे हैं वो जूट की खेती के बारे में बता रहे हैं। साथियों, आपने जो भूगोल में पढ़ा ही होगा कि बंगाल में जूट की खेती बहुत अच्छी होती है। तो जूट जो है, जूट क्या होता है, हम कई बार बोलते हैं सन या जूट, जो रेशे से रस्सियां बनाई जाती हैं, टाट पट्टियां बनाई जाती हैं। आजकल जूट के कपड़े भी आते हैं, जूट के कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो साथियों, जो रेशा जो है वो जूट से उत्पन्न होता है, उस जूट को गड्ढे में पानी में भिगो दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, जिसके लिए शब्द यूज़ किया गया है पुरा दिया जाता है, बेहा गया है यानी कि उसे दबाया गया है और बहुत वजनदार पत्थर उस पर डाल देते हैं। पानी में डूबकर वो फिर रेशों में परिवर्तित होते हैं। काफ़ी दिनों के बाद जब वो रेशे तैयार हो जाते हैं फिर और उसकी प्रोसेसिंग करके टाट पट्टियाँ बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो है राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होती हैं, अर्थात ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती बिकती हैं और सभी लोग इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि बोरे टाट पट्टियाँ रस्सियाँ ये सारी चीज़ें हमारी दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक होती हैं और इस प्रकार जूट की खेती के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बचपन में गाँव में बहुत सारी ऐसी गढ़ी देखी थी। दोस्तों, गढ़ी अर्थात ऐसी जगह, ऐसा पोखर जिसे हम कहेंगे, जहाँ पर पानी भरकर सन को डुबाया जाता है और उसके बाद में फिर उससे रेशे बनाए जाते हैं। तो लेखक अपनी उन बातों को, बचपन की बातों को याद करते हुए कह रहे हैं कि अब तो न सनई रही न गढ़ी रही। उन्होंने बचपन में वैसी गढ़ी बहुत देखी थी परंतु अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। साथियों, ये सारी बातें लेखक अपनी यात्रा के दौरान याद कर रहे हैं, अपने गांव देश का जो उन्हें दृश्य नज़र आ रहा है उसे देखते हुए उन बातों को याद कर रहे हैं और आगे वो और कौन कौन सी बातें याद करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इतने पाठ का अध्ययन कीजिए और उसका आनंद लीजिए।